और जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको 3 बार न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी करना पड़ेगा कि मेरा ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और पार्टी को भी जिसने उन्हें खड़ा किया है उसको भी लिख के देना पड़ेगा, पेपर्स में निष्कासित प्रकाशित करना पड़ेगा कि उनका भी, उन्होंने क्यों उसको चुना, उन्हें क्यों वहाँ कोई दूसरे कैंडिडेट बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं मिल पाए। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ में जुटे हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं अब चुनाव आयोग भी एक्टिव नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम 3 दिन के दौरे पर 29 फरवरी को लखनऊ पहुंची, और आज यानी 2 मार्च को इस दौरे के आखिरी दिन चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बातें कही। इस बार लोकसभा चुनाव में आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को लेकर चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने कई बातें कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को 3 बार अखबार के जरिए खुद पर दर्ज मुकदमों का ब्यौरा देना होगा, यानी खुद पर कितने केसेस दर्ज हैं, किस किन मामलों में दर्ज हैं, इस बात की जानकारी अखबार के जरिए देनी होगी। इसके साथ ही जिस पार्टी ने उस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है उस पार्टी को भी बताना होगा कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशी को ही क्यों चुना गया। साथ ही बताया गया कि नो योर कैंडिडेट ऐप के जरिए कोई भी प्रत्याशी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देख सकता है। क्यों पीछे जाके इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या करेंगे, मैं अपना एक निर्णय लूंगा। तो ये जो नो योर कैंडिडेट ऐप है इसमें उनकी फोटो, उनकी एफिडेविट्स, उनकी सब चीज दिखाई देंगी, और जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको 3 बार न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी करना पड़ेगा कि मेरा ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और पार्टी को भी जिसने उन्हें खड़ा किया है उसको भी लिख के देना पड़ेगा, पेपर्स में निष्कासित प्रकाशित करना पड़ेगा कि उनका भी, उन्होंने क्यों उसको चुना, उन्हें क्यों वहां कोई दूसरे कैंडिडेट बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं मिल पाए, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे ऑल्सो हैव टू टेल अस। तो जल्द ही लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, इसे लेकर हर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, वहीं चुनाव आयोग ने भी अब कमर कस ली है। हालांकि अभी तक लोकसभा चुनाव का शेड्यूल सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।